नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज 18/3/2023 भिवानी अनाज मंडी में भाई परमात्मा का कुछ नहीं भेरा भाई, किते गाम किते छाया किते मी भाई घर तक चाले थे बूंदाबांदी में, कड़वास पूछ दिए अच्छी बूंद आएगी भाई, रुकना पड़िया भाई, रास्ता में कपड़े भीज गए भाई, और भाई मंडी में पूछे तो भाई आड़ा देखो धूल उड़न लाग रही है, अरे भाई राम घुट रहा है, ये दिखा दें एक बाप ने मौसम भाई, ये भाई हवा भी चल रहा है तेज, और भाई लगभग भाई अपने आधा आंगल के आसपास भाई बूंदे की भाई नाथवास कालवास के बीच में भाई, तो मंडी में तो बिलाल है सुखाए है। और भाई साथियों आपने बता दें भाई सरसम की खरीद शुरू हो गई है किसान साथियों, तो एक बार भाई देखांगे लगभग सामान भाई आ तो सड्डा तड़प रहा है, ये दिखा दें आपने तो बार भी पड़ी है भाई, नरमा पलड़ा में ढक भी राखी है और तुलाई चलन लग रही है, तो देखांगे आगे कि कुछ हो रहा है। नमस्कार जी, नमस्कार माइक ना थोड़ा सा, नमस्कार। तो जी आज खरीद शुरू होगी? बिल्कुल शुरू है, कल से शुरू है। अच्छा कल से शुरू है, पहले भी शुरू थी। अच्छा हाँ हाँ, तो के कुछ कंडीशन रख रहा की आपने भाई? कंडीशन ये है किसान अपनी सूखी फसल ले आए और सुखा के ले आए और झार झूर अपने सफाई करके ले आए और 8 मोक्षर उसके अंदर कंडीशन का ये है। अच्छा, और तेल के कितना कंडीशन? तेल तल की कोई कंडीशन? कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन। उस 8% नमी होनी चाहिए? नमी होनी चाहिए। अच्छा, और कागज होने चाहिए अपने, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे उनका पंजीकरण होना चाहिए। ठीक, ये तो आज तक शुरू होगी, कल तक 17 बिल्कुल 14 से ही ले रहे हैं। 14 तक, चलो ठीक है जी। तो कितनी डेयरी ले ली आपने? लगभग लगभग 6 डेरियां तो होगी, अभी चल रहे हैं हमारा। चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो भाई ये भाई कमेटी के भाई कर्मचारी तय अपनी बात हुई है भिवानी मंडी में, तो भाई शुरुआत होली भाई लगभग 14 तक है भाई, शुरू में नमी आया कर दी सरसम में, उस कारण तो भाई आपा ने कोई डेरी ऐसी नहीं मिल रही थी, और ई भी भाई 8% नमी होनी चाहिए भाई, उस तो ज़्यादा होगी तो भाई डेरी को नहीं ले, और तेल की कोई कंडीशन को नहीं भाई, भाई इतना तेल होना चाहिए, तो भाई बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत मतलब खुशखबरी है भाई। तो अपनी भाई सरसम ने सुखा की लियाइयो साथियों, ये नहीं कि भाई आप आली लिया और फिर भाई सरकार थी भाई दोष दो कि भाई हमारी डेरी को नहीं ली सरसम की, तो अपना तो यो ही कहना है साथियों भाई। देखो फसल तो वैसे भी भाई सरकार ना ले थी तो भी अपनी फसल तो भाई सुखा के काटनी चाहिए, तो आली फसल निकालन में तो दिक्कतें है, तो ज़मींदार का नुकसान है भाई, उसमें बेचेंगे तो भी नुकसान है, और भाई उसने घर न गेरे मान लिया अपन आले गेहूँ आपा गेहूँ काटना आपा घर खातर, और उसने भी भाई आले काट लियावांगे तो उसमें भी बाँस आने लग जाए, सड़न लग जाएंगे, सुनसी लग जाएंगी, कई बीमारी हो जाए हैं। तो साथियों भाई खरीद शुरू हो रही है, तो ये मोस्चर देखी और भाई सरसमा की डेरी लेन लाग रहे हैं, तो लगभग भाई आप आए हाँ उस तो पहले भाई खरीद हो ली, तो अपना रेट बता दें भाई 5450 सरकार की के भाव हैं भाई ये, तो भाई और देखांगे घूम फिर की के कुछ हो रहा है भाई, नरमा के भाव बिकन लाग रही आज, तो भाई या डेरी बिकली भाई, ये दिखा दिया आपने सरसम की भाई, ये देखो भाई किसान साथियों, और भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे भाई पंजीकरण होना जरूरी है भाई, राम में दिखा दें कि भाई साइड का कसूता काला होया है भाई, ये देख लो, तो या नरमाई तुलाई चल रही है, तो अरे कोई किसान नहीं दिखा, या भी चल रही है अपनी है या कौनी, तो सेठ जी तो पूछा है भाई किसान दिखता नहीं, एक बंदर माँ देखा दिया
चलो और घूमांगे भाई सेठ जी जालिए आगे देखांगे। चलो भाई आप पंडित जी ते आज के कुछ भाव लेवांगे और जानकारी लेवांगे। नमस्कार 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 जी भाई साहब। हाँ ठीक ठाक भाई साहब। मौसम गड़बड़ हो रहा है। हाँ मौसम तो भाई भगवान की इच्छा है। हाँ सही बात है। करेगा करेगा। कई जगह ओले आले गिर दिए बताऊं से। सार्थल मंडी का नहीं बताऊं। मैं गांव मत आया हूँ। बूंदाबांदी थी। यार तो फिर भी भाई कादी कादी बूंद आई है अपनी मंडी में। तो आज नरमा का के नरमा 7,750 बढ़िया बढ़िया नरमा। और देसी कपास का के देसी कपास 9,000 अंदाज। हाँ 9,000। अच्छा और गेहूं के बिक रहे हैं? गेहूं 22.5 से 23.5। 22 से 23। चने आए थे 5180 बिके। चने चने 5180 नए थे के ना? पुराने पीले रंग के बढ़िया। अच्छा पीले रंग के 5180 रुपए। हाँ बाजरा भी क्या है 2170। अच्छा 2170 बाजरा तेज हो गया। थोड़ी बहुत बड़ा तेज हो गया बाजरा। अच्छा जो का के बाजार जो आज नए आए थे? अच्छा हाँ वो बिके हैं 2035-40। हाँ नए बड़े नम थी उनमें। अच्छा नमी। हाँ फिलहाल तो नमी के कारण चाहिए जमदाने चाहिए कोई भी आइटम हो चाहे सरसम हो चाहे गेहूं हो और चाहे जो हाँ कुछ भी हो या हाँ वो अच्छा भाव मिल जाए। और मेथी का के बाजार चल रहा है? मेथी है 5,000 के भाव। और मूंग मूंग भैया वो कौन 70-75 अंदाज। अच्छा हाँ भाई ठीक। और खड़बिनोड़ा के बाजार? खड़बिनोड़े तेज है 33.5-33। अच्छा बिनोड़े बढ़िया सरसा चिल्की 4,800-4,850। अच्छा और ये रूलर वगैरह से ये 39,000-4,000। ठीक ठीक। हाँ और वैसे सरसों भाई बिना जो उसका बिना लैब की जिसका बिकी है 5,000 के आसपास। 5,000 के आसपास। हाँ ये बढ़िया डेरी थी। हाँ तेल वाली वह 53.5 भी बिकी है। 53.5। हाँ 50 बोरी। कितना के तेल? तेल था उसमें 36 किलो। 36 किलो। हाँ अच्छा 35 किलो के तेल की के लगभग के रेट बस वो समझ लो 52,500। 52,500 के रेट है भाई। जो सरकार अपने कागज नहीं बनवा रहे फसल वैसे 52,500 रुपया के बाद। और ये जो तो सरकार सक्षम लेवा है 8 पॉइंट होना चाहिए सरकारी कागज होने चाहिए। 8% तो नमी होनी चाहिए। हाँ, और ऑनलाइन कागज होना मेरा चाहिए। मेरी फसल मेरा भी और आपका ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन होना चाहिए। हाँ। और इसमें तेल की कोई कंडीशन को नहीं? कोई कंडीशन को नहीं। मेरी कमेटी वाले भाई ये बात हुई थी तो भाई वो नाट रहे थे भाई तेल की कोई कंडीशन को नहीं। कंडीशन चलो ये भी बढ़िया बात है। ये बढ़िया काम हो गया। हाँ और के जमींदार हैं के तो थोड़ा बहुत फायदा है इस काम में। चलो ठीक है जी। ठीक है भाई धन्यवाद। ठीक है भाई। तो साथियों भाई गुआर की बबोली आई कोनी है और भाई चरचम की तो खरीद शुरू हो रही है और ये देखांगे इब घूम फिर की एक बार पूछांगे भाई एक किले के लगभग कितनी लेवे है चरचम। ये भाई एक एकड़ के बता दें भाई 6 क्विंटल चरचम की खरीद होगी भाई एक एकड़ की जो भाई आपन पता करया है। तो ये नरमा की तुलाई होली आड़ा को किसान होगा तो ज़रूर देखांगे भाई। हन तो पल्ली समेट ली भाई तो तोल कर दिया भाई। अच्छा तो एक बार नरमा देखा दें। हाँ ये देख लो भाई नरमा तो अपनी है या अपनी है। अच्छा तो भाई साहब तो बात करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई क्या हाल भाई साहब? बढ़िया भाई। नाम क्या भाई? सुनील भाई। गांव कौन सा भाई साहब? गोरीपुर। गोरीपुर तो अपनी नरमा बिकली? हाँ बिकली भाई। के भाव बिकी भाई? यह बिकी भाई 7,430। 7,430। तो आज मेरे सामने तो 7,450 का ऊपर का भार आया है भाई। घूम फिर की देख के आया तो मैंने 7,450 रुपये। तो कौन सी वरायटी थी भाई साहब? भाई या दो तीन वरायटी है। एक तो श्री राम की 320 है। अच्छा एक उसकी है राशि की है? राशि की। हाँ अच्छा 76 है। हाँ 76। और भाई एक 220 है श्री राम की है। अच्छा तो भाई साहब कौन सी बढ़िया रह है? भाई सारी एक सीसी है लगभग काकी ताई की है। अच्छा और वाय पास कीड़ा सारे आम आवे है। हाँ, कीड़ा आवे है जब बिल्कुल भाई। तो इबका तो यह ठीक थी भाई साहब आपकी सुतरी है नरमा? हाँ ठीक थी। कीड़े शिकायत को नहीं आई थी? आई थी भाई कीड़े शिकायत। अच्छा आई है बाद में लास्ट में। ठीक तो कितनी कोशत आगी भाई साहब? भाई 10-11 मन की है। तो कौन सी वैरायटी बो गई बाग बो गए तो? भाई श्री राम वाली बोवांगे एक तो और एक 76 दोनों बोवांगे। 776 राशि की और श्री राम 320। हाँ भाई ठीक। चलो ठीक है भाई साहब। ठीक है धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई। अच्छा 2170 रुपये बाजरा का? 2170 है जी आज। अच्छा तो तेजी है बाजरा में? बाजरा में तेजी है जी आज। अच्छा ठीक चलो ठीक है सेठ जी। ठीक है तो भाई ये अंकल जी तो बात कराएंगे कि भाई आड़ बैठे हैं अपनी सरसम दो रहे। तो अंकल जी ये दोनों डेरी अपनी है? हाँ जी।
अच्छा, अपना नाम क्या है? राजपाल सिंह। गांव कौन सा है? तंपुरा। तंपुरा। तो आप कल ले आए थे का आज ले आए थे? आज। आज ले आए हो? हाँ हाँ। अच्छा, तो सरकारी खरीद की बात है? नहीं, वो लिया था। ओली सरकारी खरीद। हाँ। अच्छा, तो के रेट की हुई है? 55। 55,50 रुपये। हाँ ठीक। अच्छा, या नई सरसम है? नहीं, नई सरसम है इसकी। हाँ हाँ। अच्छा, तो इसमें मॉइस्चर तो लगभग ठीक है, जब वैसे सरकारी खरीद हुई मॉइस्चर देख के लिए हुए हैं? हाँ जी। 8% होना जी। माइक ना थोड़ा दौर लगाई अंकल जी। हाँ जी हाँ। अच्छा, तो कौन सी वैरायटी थी आज सरसम की? यस है वो पाइनर की। पाइनर की 45-46। हाँ जी। अच्छा, तो कै क्विंटल किले की ली है? कै क्विंटल किले की सरकार ने खरीदी है? लगभग 8 क्विंटल। 8 क्विंटल? हाँ जी। नू कह रहे थे 6 क्विंटल ले हैं ना? 8। 8 मन्ना तो 8 की। अच्छा चलो ठीक, चलो ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। ठीक है। तो भाई 6 ताऊ ने अंकल जी ने बेरा नहीं था भाई, कै क्विंटल वैसे बोल गए थे भाई 6 क्विंटल ले हैं भाई, एक एकड़ की, और तेल की मात्रा नहीं देख दे भाई, नमी नमी देखे हैं, और ये दिखा दें भाई सरसम लगभग भाई आन लाग रही है इब 9 जी। अरे वो क्या कर रहा है भाई तू? सरसम छोटे की दवाई। अच्छा, 2000 भरवाई इसमें। अच्छा, कोना भी पावर लग गया था, दोबारा फेर कटवाई। अच्छा, और बदली थी फिर मागली मशीन में, अगला किला काटेंगे ना। हाँ, उसमें गेट देंगे सरसम ने। तो सरकारी बेचेगा प्राइवेट बेच दी भाई? मॉइस्चर उड़े चेक करवाया सरकारी दफ्तर में। हाँ, उड़े बताया 7.1। अच्छा, और इनका डब्बा ले रहे इसमें चेक करवाया, इसमें बताया 11। अच्छा, तो वो एफ ए डाले आओगे? हाँ, टाइम मेरा लगा। चलो, ऑनलाइन करवा रखी है? हाँ, ऑनलाइन करवा रखी भाई। ठीक, किले की कह रहा 6 क्विंटल ले हैं। हाँ, 15 क्विंटल का टोकन है, 15 क्विंटल अपनी। हाँ, 15 टोकन कटवा लिया। अच्छा, क्या किले का करवा रहे क्या ऑनलाइन? वो तो 10-1 का करवा रखा है, लेकिन सारा ही कंप्यूटर ठंडा को नहीं। अच्छा। हाँ, जो 15 की ठाया कंप्यूटर ने। हाँ, वो कटवा लिया। अच्छा अच्छा। हाँ, इतनी के ले रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक। अच्छा, पहले चेक करवाना पड़ा है भाई कितना? हाँ, उड़े फ्री में करे हैं दफ्तर में के यो मॉइस्चर। मॉइस्चर हाँ, वो तो सरकारी तेल, वाले तेल वो बता दिया नहीं, नहीं तेल तो बिना तेल चेक करके ले हैं, तेल का कोई कुछ कुछ नहीं लेते। हाँ, नहीं वो उस तरह चेक कर है ना। हाँ, उतना ही उड़ा चेक करवा लिया, उन्होंने पर्ची पर बता दिया। हाँ, मॉइस्चर बताया 7.16। हाँ, ऑयल बताया 39.32। अच्छा, हाँ जो सरकारी खरीद होगी ना उस पर तेल का कोई वो कोई कंडीशन। हाँ, मॉइस्चर सही है। हाँ, सरकारी के हिसाब से अपना। हाँ, सही है मॉइस्चर। हाँ, मॉइस्चर तो 7.16 है भाई। हाँ, लेकिन तो ओके है। जो ही ना डब्बा है वो 11 बताओ है। अच्छा चलो देख लें भाई कि मैं गड़बड़ डबड़ी भी हो गया। एफ ए डाले आओगे उस टाइम और बेरा लगा हुआ है। एफ ए डे खरीदे शायद। हाँ, एफ ए डाले वो आ रहे थे, SDM साहब आ रहे थे। हाँ हाँ, वो 2-4 वो जो सरकारी टोकन कटवा रहे हैं उनके चेक करके गए हैं। हाँ, वो खरीद भी हुई है कई डेली। हाँ, वो और फिर क्या आओगे फिर। हाँ, टाइम मेरा लग रहा है। लग रहे हैं भाई घूमने फिरने। हाँ हाँ, तो क्या किले कटवा लिया या 2 किले के भाई? ठीक, तो भाई अपना नाम? आप नाम अमित भाई, गामनाथ वास। गामनाथ वास भाई। हाँ, अपना गाम का भाई हो। चलो ठीक है अमित भाई। ठीक, धन्यवाद भाई। ये भाई सरसम भी भाई साथ के साथ आने लग रही है, सरसम की भी डेरी चौकी आ रही है भाई, जो सैडा तड़पड़ी है नई भाई कटवावे हैं, जिन्हें भाई टोकन कटवा रहा क्या है वो अपना भाई टोकन तो भाई सरकारी खरीद होने लग रही है नमी चेक करके, और भाई नरमा भी भाई आने लग रही, नरमा 74.5 नरमा के भाव रहे हैं भाई, भाई जिन्हें टोकन नहीं कट रहा जो सरसम भाई बेचे हैं वैसे भाई वह नू लगा लो 35 किलो तेल की डेरी 52.5 रुपया के भाव हैं भाई, और सरकारी जो भाव हैं वह 54.5 रुपया के भाव हैं सरकारी, और कोई तेल की कंडीशन को नहीं भाई सरकारी में, और 6 क्विंटल पर किलो की खरीद हो है भाई, तो भिवानी में होने लाग रही है भाई, पहले थोड़ी नमी आया कर दी, तो चने भाई 51 चने एक डेरी आ रही बताऊँ थे भाई, देखांगे भाई कट्टे हम कर लिए कि पड़े हैं 5100 कुछ रुपये के थे भाई चने, वह बढ़िया चने बताऊँ थे, बाजरा भाई 2100 के आसपास के बाजार चाह रहे हैं बाजरे के, और देख लें गुवारी हो रहेगी भाई गुवारी की बोली। तो भाई ये जो आ रहे थे आले जो पड़े हैं भाई नमी के,
ये एक बार दिखा दिया। हाँ, जो के लगभग 2100-2120 के भाव चल रही है। ये रेदाने भी हैं भाई, मैं कह ये देख लो। चलो भाई ठीक है, अपना जमींदार टेम तो भाई काट ले है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भाई एक किसान मिल गए थे अपन, तो किसान मिल गए थे भाई, किसान तो बात करांगे। एक माइक ना थोड़ा दौर रखियो, आवाज साफ आ गया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो अपना नाम बता दो पहले। मनोज। मनोज, गांव कौन सा है? डूडी वाला, नंदकरण डूडी वाला। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो अपने हैं। हाँ जी ठीक है। तो जो बेकलिए जी के बाबे के 2036 जी। तो इब्बत नमी दिन में। हाँ जी, नमी तो है। तो क्या किल्यांगे हैं ये? जो ये 2 किल्ला का। 2 किल्यांगे। हाँ। तो इबर तो चलो ले तुले तो है को नहीं। हाँ, तुले दार लगन लाग रही है। हाँ। तो औसत में कितने के होंगे लगभग? देखो ये होना चाहिए 81 मन तो होना चाहिए, 80-85 मन। 80-85 मन तो लगभग नू लगा 41 मन किल्ले के लकड़े है। हाँ जी, हाँ जी। तो के बात कम लग रही में 40 मन की औसत किम तो अड्डा पड़ गया कि वो नीचे रह गया, वो कंबाइन थे लिकड़े हुए थोड़ा बहुत। कंबाइन तो कटवाए थे। हाँ, कंबाइन थे कटवाए थे। तो कंबाइन नाला एक किल्ला के कितने रुपये लेवा है? देख कोई कह लिया, हम तो बुझिए को नहीं। अच्छा, बुझिए को नहीं है। हाँ ठीक। तो कह किल्ले हम 2 बोरे थे ना, इब तो 15-20 किल्ला और हैं। और हैं। हाँ जी। फिर जो क्यों वो गेहूँ कोई वो आपने? गेहूँ बिजली को नहीं आवा, गेहूँ सिंचाई क्या करा बताओ? बिजली को नहीं आवा। हाँ। और पानी ठीक से? पानी बढ़िया है हमारा, पानी की कोई तकलीफ। दो कै पानिया में हो जाए हैं? तीन पानिया में हो जाए हैं। तो गेहूं का टाइम बुआ ही है? गेहूं कद का बुन का टाइम हो है जो का? गेहूं तो पहली बुआ हम तो गेहूं बुआ नवंबर में। अरे नवंबर में जो गेहूं सरसम बोन दी और जो बो दिया। हाँ, जो बो की गेहूं बो दिया। ठीक। अच्छा, तू लगा लो 15 दिन का तो आगे तरह है इनका। हाँ, ये गेहूं जमे इतने गेहूं बोवा इतने जाने आऊ जी। अच्छा। हाँ, एक हफ्ते पहले। तो वैरायटी कौन सी बो या? वैरायटी है 293 है। 293 है। तो या बीज प्राइवेट दुकान पर लिया है कि सरकारी पर? ना प्राइवेट पर लिया, हम तो घर का ही बोया था, प्राइवेट लिया है कोनी का। अच्छा, इनका घर का ही था? पिछले साल भी हुई था? पिछले साल ले गया था कट्टा। अच्छा, अड्डे पड़ गए? अड्डा पड़ गए। हाइट कितनी बड़ी थी इनकी? हाइट थी इनकी 3-3.5 फुट की। 3-3.5 फुट ठीक बदी की तरह हाइट खूब बढ़िया है ये। तो हम कई बार कटाई करवा दिया पहले उसकी। मान लेगी पड़ा नहीं जो, तो कितनी औसत आ जाए किलम है? जो पड़ा नहीं तो 55 मन भी आ जाए, 60 मन भी आ जाए। अच्छा, बढ़िया लग रहा है। हाँ ठीक। चलो, और खाद कूद कितनी के डालनी पड़ा है? खाद तो कोई घनी की जरूरत कोई पड़े खाद की तो। अच्छा, गेहूँ तो कम है पड़ा खाद। अच्छा ठीक। चलो ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। ये दिखा दें भाई, यह डेरी बिक ली है, बोली वाले लकड़ लिए भाई। तो ये देख लो इसकी क्वालिटी, 5200 रुपये बिके है भाई अगुआर। और ऊपर का और देखांगे, तो भाई यह डेरी भी बिक ली। तो एक बार ये दिखा दें, एक बार गुआर। अरे सेठ जी तो बात करांगे, एक बार तुलाई चल रही है भाई, बोली वाले निकल गए थे। तो सेठ जी राम राम। राम राम जी। तो ठीक हो? बढ़िया जी। तो के भाव बिके जी? हो 48-95 रुपये। 48-95 आज ऊपर में के रहा? ऊपर ने 5200-5250 रुपये बस इतना रहा, 5200-5250। शर्म ये रहा। ठीक, चलो ठीक है जी, धन्यवाद। और कपास रही 7750 रुपये, बढ़िया क्वालिटी की, 7750 रुपये। ठीक, हाँ जी, चलो ठीक है जी, बढ़िया जी। तो भाई ये दिखा दें हाँ भाई, यो गुआर बारिश का पीप का बारिश का कारण भाई काला हो गया यो। तो भाई गुआर का आज बस ये 5200-5250 का भा रहा है भाई ऊपर का। तो साथियों भाई लगभग तो सारे बाल ही होंगे, मौसम भाई टप लिया ऊपर का, मंडी में तो गाम काट दिया है। ये दिखा दें आपने,
तो साथियों एक बार फिर बता दें आप ना भाई, सरसों की खरीद शुरू होगी भाई भिवानी मंडी में। वैसे पहले शुरू थी, फिर पहले वह नमी को नमी थोड़ी ज़्यादा रहा कर दी सरसों में, इस कारण भाई कोई डेरी आप आने देखी को नहीं। आज भाई कई डेरी बिकी हैं भाई, 8% नमी होनी जरूरी हो है, तेल की कोई कंडीशन को नहीं भाई। तो साथियों ये थी आज भिवानी अनाज मंडी के भाव। तो साथियों अपनी वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नमस्कार।